कोई बोले कि हिंदू को क्यों खिला रही, आप मुसलमान हैं, मुसलमान में भी पर्टिकुलर ग्रुप को खिलाइए। बट मेरा ये मानना है भूख का कोई मजहब नहीं होता, हंगर हैज नो रिलीजन। तो पहले मुझे भूखा दिखता है, इंसान दिखता है। नवंबर 2016 में मैं ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लो बजट और बहुत लोग को फ़ायदा होता। 1000 लोग के लिए फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करता हूँ 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और 1200 डेज से विदाउट मिसिंग ए सिंगल डे ये काम चल रहा है। ये चीज़ के लिए पैसा बाद में चाहिए, पहले इंटेंशन चाहिए, पहले बिलीफ, हाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो दिल से एक आना चाहिए। डेली 3 हॉस्पिटल सर्व करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। पहले दूसरों को खिलाना मेरे हमेशा 1200 डेज से ये रूटीन रही है। अगर मैं कल मर गया तो मैं क्या लेके जाऊँगा? नथिंग। किसी की हेल्प करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, किसी मजबूर इंसान की मदद करेंगे, परेशान इंसान की परेशानी दूर करेंगे, उसके जो चेहरे पे स्माइल आएंगी जब वो उसके दिल से दुआ निकलेंगी, वही चीज़ हमारे काम आएगी। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं और बढ़ के लोगों को खाना खिला सकूं, आपकी हेल्प से मैं और हॉस्पिटल इंक्रीज कर सकूं, ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकूं। आप लोग की मुझे हेल्प मिल जाए, आप लोग भी इसमें मिलकर कंट्रीब्यूशन कीजिए, आप लोग भी आइए। आप एक इंसान को खाना खिला सकते तो एक भूखे को खाना खिलाइए, ताकि हम ऐसा अगर शुरू करेंगे एक एक को खाना खिलाना, तभी हम हंगर फ्री इंडिया बना सकते हैं।